सीमा है। अब मैं हैदराबाद से रहने वाली हूँ। मैं 9 ईयर्स तक मेरी प्रेगनेंसी में थी। मैं बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करी, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, कहीं पर भी मेरे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा। और एक दिन मैं फेसबुक पे रोया रोजा की मैम का प्रोफाइल चेक करी थी, तो मैं सोची कि इनसे एक बार कंसल्ट करूँ। और फिर मैं आई, इनसे कंसल्ट करी। इनसे कंसल्ट करने के बाद में मेरे को मालूम हुआ कि वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे जिस तरह से मेरे से बात करें, जिस तरह से वो मेरे ट्रीटमेंट करें, पहले तो उन्होंने मेरा चेकअप करें, फिर उसके बाद में मेरे बॉडी में मीन्स क्या प्रॉब्लम है वो सब देखने के बाद में उन्होंने मेरे से उन्होंने भी टेस्ट करवाया था। ऐसा नहीं था कि खाली टेस्ट बोलते, पर बहुत अच्छे से ट्रीट किए उन्होंने। और टेस्ट करवाने के बाद में मेरा प्रॉब्लम मालूम हुआ, और फिर वो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के कई थोड़े दिन के बाद में मेरे को एक बेबी भी प्रेगनेंसी आ गया। उसके बाद मेरे को बेबी हुआ। अब ये एक लड़की है मेरी। मैं इसीलिए मैम से मिलने को आई थी, मैं उनको मिठाई दे सकूँ। हमारे फैमिली में तो सब इतने खुश है कि इनकी वजह से कि मैं प्रेग्नेंट हो सकी। 9 ईयर्स तक मेरे को बेबी नहीं हुआ, तो सोच सकते आप लोग की कितना प्रॉब्लम होता। आज मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव्स भी हर कोई आके इनसे कंसल्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। बहुत अच्छे हैं वो रोजा की मैम। आप लोग भी इनसे कंसल्ट कीजिए। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग आइए और इनसे कंसल्ट कीजिए, और आप लोग बतलाइए यहाँ पे। थैंक यू।